किराएदारी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक सिचुएशन हमारे सामने आती है। इसको मैं समझाता ऐसे हूँ कि एक घर है, उसके 5 ओनर्स हैं। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, घर ना लें, कोई प्लाजा ले लें, कोई शॉप ले लें, कोई घर ले लें, उसके मल्टीपल ओनर्स हैं, एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, और वो हो सकता है कि भाई को ओनर्स हों, मिल के किसी ने ख़रीदी हो, या कोई वफात पा गया हो और उसके इनहेरिटेंस डिवॉल्व हुई हो उसके लीगल हेयर्स पे और वो उसके ओनर्स बन गए हों। अब वो एक से ज़्यादा ओनर्स हो गए। अब कुछ लोगों में क्या ये हमारे सामने क्वेश्चन आया, वो ये था कि उन फ़र्ज़ कीजिए 3 ओनर्स हैं, उसमें से एक ओनर ऐसा है उसने किरायानामा बनवाया अपने नाम का, सिर्फ अपने नाम का, और उसने जनाब वो जगह रेंट आउट कर दी, सब चीज़ें रजिस्टर करवा ली, सब कुछ हो गया, हर चीज़। अब वो रेंट रिसीव करने लग गया। अब जब बाकी 2 ओनर्स ने कहा कि जी हमें भी रेंट दें, तो उस शख्स ने कहा जी कि रेंट डीड तो मेरे नाम पे है, तो रेंट तो मेरा है। तो ये सरासर गलत है, ये प्रैक्टिस भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है, ये कानूनन भी गलत है, ये अखलाकन भी गलत है। होता ये है और होना चाहिए जो है वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा ओनर है तो अगर एक शख्स उनमें से किसी को किराए पर आगे चीज़ लेट आउट करना चाह रहा है तो वो बाकी 2 से रिटन कंसेंट लेगा, वो उन दोनों से अटॉर्नी लेगा, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा जिसमें बाकी ओनर्स ये कहेंगे कि हम इसको ये इख्तियार देते हैं कि ये हमारे बिहाफ़ पर भी इस जगह को लेट आउट कर दे, रेंट आउट कर दे, और इससे जो रेंट आए इसको इस इक्वेशन के थ्रू डिवाइड कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो 2 हिस्से भाई के बनते हैं, 1 हिस्सा बहन का बनता है। रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से हो कि रेंट के जनाब 8 पोर्शंस किए जाए, 2 भाई के और 2 एक भाई के और बाकी बहनों के, इस तरीके से करके आपका रेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो। ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा और इसके बाद वो जो शख्स है जिसने रेंट आउट किया है वो पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज़ करते हुए अपने तौर पे उसको रेंट आउट करेगा, और जो रेंट रिसीव होगा वो जनाब उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दैट पावर ऑफ अटॉर्नी वो उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लिहाजा मल्टीपल ओनर्स जहाँ पे हों, को ओनर्स हों, एक से ज़्यादा ओनर्स हों, उनकी प्रॉपर्टी कोई एक शख्स पहली बात तो रेंट आउट कर नहीं सकता विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी, विदाउट देयर रिटन कंसेंट कर नहीं सकता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका रेंट तो अकेला वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रेंट, उसका जो भी बेनिफिट आ रहा है वो बाकी भी उसी तरह से हकदार हैं उस रेंट के, उस हिस्से के मुताबिक वो हकदार है जो वैसे उनका हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में, उसी शरह के हिसाब से वो रेंट के भी उतने हकदार हैं। तो लिहाजा ये जो प्रैक्टिस एक चलती है कि जनाब एक से ज़्यादा हैं या बड़े बहन भाई हैं उनमें से एक बड़ा भाई उठ के रेंट आउट कर देता है और उसके बाद जनाब वो किराया खुद लेने लग जाता है, बाकियों को महरूम कर देता है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक भाई भी है तो वो बाकियों से कंसेंट लेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा, वो प्रिंसिपल बनेंगे, ये उनका अटॉर्नी बनेगा, ये उनके बिहाफ पे एक्ट करता हुआ खुद भी और उनके बिहाफ पे एक्ट करता हुआ ये जगह को रेंट आउट करेगा, और जो उनसे बेनिफिट्स रीप आउट होंगे उनको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा जैसे कि प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है उसी शरह के मुताबिक। और अगर ऐसा नहीं होता, एक शख्स खुद ही रेंट लिए जा रहा है और ख़ुद ही उसने किरायानामा बनवाया, तो पहली बात वो किरायानामा भी चैलेंज होगा कि जी हमने तो रिटर्न कंसेंट ही नहीं दी थी, हमने तो अटॉर्नी बनाया नहीं था इसको, इसने हमारे बिहाफ पे एक्ट करते हुए कैसे ये जगह रेंट आउट कर दी, या इसने हमारी इजाज़त के बगैर अपने तौर पे एक्ट करते हुए ये कैसे जगह रेंट आउट कर दी, ये कानूनन गलत है। फिर अगर कोई शख्स ऐसा कर चुका और उसके बाद बाकियों को पता ही नहीं था, बाद में उनके इल्म में आया कि जी ये तो जगह रेंट आउट हो गई है और यहाँ से बेनिफिट्स आ रहे हैं, ये शख्स 1 साल से बेनिफिट खा रहा है और इसका प्रॉफिट खा रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सिविल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, उनके पास ये रेमेडी भी अवेलेबल है कि वो सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जनाब ये या तो टेनेंसी पहली बात ये ख़त्म की जाएगी, और अगर ये टेनेंसी हम इजाज़त दे देते हैं ऐसी चलती रहे, लेकिन हमारी शर्त है कि रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगी। अगर दोनों चीज़ें नहीं हो रही तो ये शख्स को कोई इख्तियार नहीं है कि ये हमारे बिहाफ पे रेंट आउट कर सकते प्रेमिसेस को।